Shraddha Kapoor, who is known for her stylish appearances, believes that in real life she is quite tomboyish and is different from her character in Half Girlfriend. In her upcoming flick, Half Girlfriend, Shraddha has played the role of a high society Delhi girl named Riya Somani, a character which is different from her real self. Adding more to it, the OK Janu actress said the role was challenging for both of them as the director Mohit Suri has asked for her to focus on the body language of Riya, the place where she comes from. The Baghi actress said she could connect with her character's love for simplicity and finding joy in small things. The film based on Chetan Bhagat's book of the same name is slated to hit theatres on May 19. काफी अलग था इस बार क्योंकि जो दिल्ली की लड़की है जो हाई सोसाइटी की लड़की है वो कैसे बात करती है उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसे होती है और ये मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं असल लाइफ में मैं ज़्यादा करके टॉम बॉयश हूँ यहाँ पे मतलब ऑफकोर्स प्रेजेंटेबल आना होता है लेकिन मोहित ने मुझे देखा है मैं कैसी रहती हूँ ज़्यादा करके चप्पल ट्रैक पैंट और टी शर्ट में तो बहुत चैलेंजिंग था हम दोनों के लिए कि उन्होंने कहा कि प्लीज़ उस बॉडी लैंग्वेज में थोड़ा फोकस करना जहाँ से रिया सोमानी आती है जिस घर से आती है सोसाइटी का जो रिप्रेजेंटेशन है जहाँ से वो आती है तो वो मैं कोशिश की है टू शो इट इन द बॉडी लैंग्वेज होपफुली लोग देखेंगे एंड होपफुली लोगों को पसंद आएगा थैंक यू एंड एनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिया दैट यू लाइक स्ट्रांगली रिलेट टू ग्रेट क्लोथ्स आई डोंट नो व्हाई द श्रद्धा डू यू एग्री एक्चुअली Not that part, not the clothes part, क्योंकि मैं अब काफ़ी आलसी हूँ तैयार होने के लिए और हमेशा कहती हूँ कि जल्दी प्लीज़ हेयर मेकअप जल्दी करो प्लीज़ तो उस मामले में काफ़ी इम्पेशेंट हूँ लेकिन जो आई थिंक जिस बात से मैं कनेक्ट कर पाई वो ये है कि रिया को खुशी मिलती है सादगी से सिंपल चीज़ों से जैसे पहली बारिश में भीगना छोटी छोटी चीज़ों से बहुत खुशी मिलती है तो आई थिंक कि उस बात से मैं रिलेट कर पाई बिकॉज आई थिंक जो छोटी छोटी चीज़ें हैं लाइफ में वही दे गिव मी द रियल हैप्पीनेस